शिष्य थे सुतीक्ष्ण, जिनकी श्री राम चरणों में अथोर प्रीति थी। वन में विचरण करते हुए जब उन्होंने अपने आराध्य के आगमन का समाचार सुना तो प्रेम और भक्ति भरे पुलक से उनका शरीर कंटकित हो गया। उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे प्रभु के दर्शन पाएंगे। प्रेम में मग्न सुतीक्ष्ण प्रभु का गुणगान करते राह में नाचने गाने लगे। उनके पग आगे पड़ते हैं या पीछे, इसकी भी सुधि नहीं रही। श्री राम एक पेड़ की आड़ लेकर उनकी उन्नत दशा देख रहे थे। भक्तों का उद्धार प्रभु की बाण है, वे सुतीक्ष्ण के हृदय में प्रकट हुए। मुनि प्रेमोन्मत्त होकर बीच राह में अचल समाधि सी स्थिति में स्थिर बैठ गए। अपने आराध्य के निकट आ जाने के बाद भी जब उनका ध्यान नहीं टूटा तो प्रभु ने उनके हृदय में अपना राजसी रूप छोड़ चतुर्भुज रूप प्रकट किया, और उस रूप के अंतर ध्यान होते ही सुतीक्ष्ण को श्री राम, लक्ष्मण और सीता के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए। वे दंड की भांति श्री राम के चरणों में गिरे ही थे कि प्रभु ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। निसचरहीन करौ मही भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन। मुनि अगति कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसन देवक। आगवन श्रवण सुनि पावा करत मनोरथ आतुर धावा, हे विधि दीन बंधु रघुराया मोसे सठ पर करी हनि दाया, सहित अनुज मोहि राम सेवक की नाई, मोर जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बानी करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की, होई है सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाय सो दशा भवानी। नहीं सूझा
बहुक नृत्य करई गुण गाई। अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरोट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरण भव धीरा। मुनि मग माज अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दसानी जन मन भाए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन जान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप देखावा। कुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मन फनि बर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। चरण नीलागी प्रेम मगन मुनि पर बड़ भागी। भुज विशाल गहिनिये उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। मुनि मिलत अस सोह कृपाला, कनक करुही जनु भेंट तमाला। राम बदन बिलोक मुनि ठाढ़ा, मानहु चित्र माझ लिखि काढ़ा। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारही बार। निज आश्रम प्रभु आनी करी, पूजा विविध प्रकार। अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस का यह संगीतमय पाठ। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कृषि चर्चा। सामयिक चर्चा का आज का हमारा विषय है जौ की खेती से अधिक पैदावार हेतु सामयिक सलाह, और इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं एस एस चौधरी। रबी के मौसम में किसान भाई कई प्रकार की फसलें बोते हैं, जिनमें खाद्यान्न वाली फसलें हैं, कुछ दलहनी हैं तो कुछ तिलहनी फसलें भी बोते हैं। गेहूं की फसल के साथ साथ जौ की खेती भी किसान भाई प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। गेहूं जौ की तुलना में अधिक सूखा सहन करने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है।
जो कि फसल से अधिक पैदावार के लिए खेत की तैयारी अच्छी तरह से किसान भाई करें। एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कर लें और फिर चार पांच जुताइयां देशी हल से करें और साथ में पाटा जरूर लगाएं। मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरी भी करना बहुत जरूरी है। यदि खेत में नमी कम हो तो पलेवा करके खेत की तैयारी कर लें। किसान भाइयों, फसल कोई भी हो, उसकी भरपूर पैदावार के लिए हमेशा उन्नतशील प्रजातियों के बीजों का ही चुनाव करें, जो कि जो उन्नत किस्में हैं उनमें आजाद, इस किस्म के दाने का रंग